राम राम जी। सरो स्वांगन ब्लॉक में आप सबका स्वागत है और सब कुशल मंगल हो गए। हम तो यह प्रार्थना कर रहे हैं भगवान तय। तो आज मैं सिर में मेहंदी लगाऊं थी और मेहंदी बेई थी, किस तरह मैंने बेई है और क्यों करके लगाई है आप सब मैं दिखाऊंगी। ब्लॉक में बने रही हो। आज मैं बेहूँ मेहंदी, सिर में लगाऊँ। कई दिन की सोच रही थी, थोड़े दौड़े बाल से हो रहे हैं और वे तो खान पान से भी हो जाए, उम्र गल का भी नहीं है। और गर्मियों में डाई लगा ले तो डाई तो इसने बूंदी खास मोचे जाए, एलर्जी सी बन जाए। डाई बढ़िया भी नहीं होती, डाई तो नहीं हो भाई, खास मौका वह सर्दी तो लगा ले। मैं दिए बढ़िया रहा है तो, और गर्मियों में तो ठंडी भी वो है। तो मैं कई दिन की सोच रही थी, मैं पैकेट ले आई थी वो मेहंदी का कट्ठा है मका पाइया का, इसमें जुकर दो तीन बार लगा ले गर्मियों में। तो कपीला कुबेर मेहंदी है, देखो वे किसी लकड़े की आवे ले आई हूँ मैं, रचा के देखूंगी। तो इसने मैं बेण की तैयारी कर रही हूँ, और गर्मियों में ठंडी भी हो, हर एक दो बार लगा भी लेनी चाहिए। कलर कलर इतने बढ़िया नहीं होते, आख्या पर भी असर करे हैं और वे बाल भी सर में भी एलर्जी बना दे हैं। कितना बढ़िया क्वालिटी का ले लो फिर भी कई बार सूट नहीं करते, इतने बढ़िया नहीं होते कलर। ये तो कदा कदा को खास होता लगा लो कलर, ना तो मेहंदी का यूज करना चाहिए। तो मेहंदी मैं बेऊंगी। तो मैंने क्या क्या कराया है देखो, ये मैंने चाय पत्ती का पानी ले लिया, चाय पत्ती उबाल ली थी ये अच्छी तरह, इस पानी में बेऊंगी मैं इसने। और ये लोहा डब्बा ले लिया, भाई लोहा मैं एक कटोरा ले आऊंगी, वह मेरे पास नहीं था तो मैंने एक लोहा डब्बा ले लिया। तो इस समय बेऊंगी मैं, पहला मैं इसमें मेहंदी डाल लूंगी और फिर देखते हैं। तो भाई ये देखो, पहला टाइम में आ करती हरे हरे कलर की मेहंदी है, देखो इस तरह की पहला आ करती, तो ये लाल लाल से कलर मान लगी तो यह उसी है। और इसमें मैं छान कही वे ये पानी डाल दूंगी, जितनी जरूरत हो चाय पत्ती का। इसमें भी अच्छी तरह रला लेंगे, इसने मिक्स करके थोड़ी बार ऊँ तो ये शाम ने बेकर रखनी चाहिए दूर पर, थोड़ी सी दस सी उल्ट इसमें तो शाम ने बेकर रख देनी चाहिए जब बढ़िया हुआ है। पर मन आई हरकत कर दी तो ये भी इसने अच्छी तरह रला लेंगे। देखो मेरी जितनी घाटी पतली करनी है उस हिसाब से इसने थोड़ा सा पानी तो और भी डल सका वे, थोड़ा पत्ती से पानी गिर कर थोड़ा और पानी डालूंगी इसमें। और इन अच्छी तरह रला कदर रख देंगी मेरी ये अच्छी, कितनी गाढ़ी पतली करनी है वो अपना देखा जा। और वे इस पत्ती का भी यूज करूंगी मैं, इस पत्ती ने मैं गमले में डालूंगी, जो ये उबली उबड़ पत्ती है ना इसने गमले में डाल दो, मतलब बाहर नाली में फेंकने तक तो गमले में भी या खार का काम करेगी, इस पत्ती का भी यूज है तो मैं इसने भी गमले में डाल दूंगी। तो इस पत्ती ने भी मैं गमले में डाल दूंगी। और इसने फिर नला दी, देखो मैं दिखाऊंगी आपने। ये सारी पत्ती मैंने इसमें डाली है, खुरपी तो इसने मैं नला कर और इसमें फिर पानी दे देंगे, और बची हुई ना इसमें पानी डाल कर इसमें डाल देंगे तो ये खार के रूप में भी यूज हो जाएगी। इसका दोहरा फायदा है चाय पत्ती का। तो वे मैंने मेहंदी लगा ली है, देखो मेरी मेहंदी कैसी लगी। और ये मैंने सर सर धो लिया था, और मेहंदी नू है एक बार तो थोड़ी वो लग है, फिर गर्मियों में ठंडी भी रह है और बढ़िया भी रह डाई डूई। तो मैं सोच रही हूँ कपते दस दिन में लगानी चाहिए, पर देखो लग गई कि नहीं। सोचो तेन अक तीन चार हफ्ता दस दिन में फिर लगा ले, फिर यह गाढ़ी सी हो जाए, इतनी पीली पीली भी नहीं लगेगी और सही बाल भी सही हो जाए। इसमें थोड़ा अलवेरा मिला के और भी ठंडक रहे गर्मी में, तो देखो कई बार लग गई, कोशिश तो करूँगी लगाने की पर हरकत कर जाऊँ फिर। तो ये सर दो का
सुकारी थी, मक्का फिर इसने बाबू का चुट्टी लगा लूँ गर्मी में कोनी सुहानते फिर ठंडे उड़ बाल। तो मैं दी दौड़ दाण में भी टाइम लग गया है, पर खबात बेसको है, पर इस दिशी वो नहीं है जितना डाई वो कर है। डाई तो वही कई बार एलर्जी भी कर दी है किसी का और आख्या पर भी असर गे रहा है। हर मेहंदी तो अपना नेचुरल हो है, हर पहला के टाइम में तो डाई डुई कोई नहीं लगा करता, मेहंदी लगा करती। तो मेहंदी की है मेरी छोटी सी वीडियो थी, और भाई मेहंदी इस तरीके से लगाओ तो कई दिन चल रहे भी है भाई। उसमें बेकर अलवेरा लगा, मेहंदी में थोड़ा अलवेरा लगा ले, या कई बार होता नींबू भी लगा ले। और वे ई मैं भी कम दाम लागू हूँ, और सब ने वीडियो ने एंड करूँ। और वीडियो किसी लगी देख के बताइए, और वीडियो ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, यह सब तक प्रार्थना है।